अपना बचाव कर लें, लेकिन ये बेजुबान है बेचारे, ये क्या सब जानते हैं जी, जी, जब तक हम इनको नहीं छेड़ेंगे तो ये हमें नहीं नुकसान पहुँचाएंगे, नहीं नुकसान पहुँचाएंगे। तो भगवान ने इनको भी जीवन दिया है तो कुछ सोच समझ के ही दिया है भाई, कि ये भी जीने के, इनकी भी इच्छा होती है जीने के लिए जी, है नहीं। नमस्कार दोस्तों, राम गुमी रेस्क्यू टीम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज सुबह सुबह ही ये जगह से रेस्क्यू कॉल आया था, हमारे गाँव के पास में है नया गाँव, रिंकू चाचा लगेंगे हमारे डॉक्टर हैं, उन्हीं घर आया था और वहीं पर हम लोग रेस्क्यू किए थे ये कॉमन करेट, जो हम वीडियो नहीं बना पाए थे, भाग रहा था, उसी को छोड़ने आए हैं दोस्तों। तो आप सभी बने रहिए पूरे वीडियो के साथ, कैमरामैन विक्रम जी के साथ। उससे पहले आप सभी को बताना चाहेंगे कि हमारा वीडियो देख कर, प्रभावित होकर बहुत ही दूर से कोई आप लोगों को परिचित कराएंगे, हम नहीं बताएंगे, हम खुद पूछेंगे इनसे कि कहाँ से हैं, क्या नाम है और क्यों मिलने आए जी। अंकल जी, हम कबीरगंज गौतम नगर से आए हैं जी, और गौतम नगर में प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक हैं, और आपका कार्य मुझे बहुत ही सराहनीय लगता है जी, जिससे मतलब ये प्रेरणा मिलती है कि जीवों पे दया किया जाए जी। जी ठीक, बहुत धन्यवाद आपका। जीवों पे दया करना हर इंसान का कर्तव्य होना चाहिए, सांप को मतलब मारना नहीं चाहिए, सांप नुकसान कब पहुंचाता है, जब तक आप उसे नहीं नुकसान पहुंचाएगा वो आपको नुकसान बिल्कुल नहीं पहुंचाएगा जी। तो ये आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, किसी का मतलब जीवन बचा रहे हैं। हम ये पूछना चाहेंगे आपका मतलब नाम क्या है? मेरा नाम श्री कृष्णा जी, और ग्राम गौतम नगर जी, कबीरगंज डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत, और मैंने जैसे कि पहले भी बताया, मैं प्राथमिक विद्यालय गौतम नगर में अध्यापक पद पे। अध्यापक पद, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपने कार्य को करते हुए बेजुबानों के प्रति इतना दया रख रहे हैं। बिल्कुल रखना चाहिए भाई, हम तो आप इतने समझदार, अपना बचाव कर लें, लेकिन ये बेजुबान है बेचारे, ये क्या सब जानते हैं जी, जी, जब तक हम इनको नहीं छेड़ेंगे तो ये हमें नहीं नुकसान पहुँचाएंगे, नहीं नुकसान पहुँचाएंगे। तो भगवान ने इनको भी जीवन दिया है तो कुछ सोच समझ के ही दिया है भाई, कि ये भी जीने के, इनकी भी इच्छा होती है जीने के लिए जी, है नहीं। तो सांप को कभी भी मारे ना और इन्हें बुला लें, आप डरे ना, और तुरंत इनके साथ आप बुला के रिक्सीव करवा, और ये आपको वहाँ से सांप को बचा के लाएंगे और आप जंगल में छोड़ देंगे, इससे जीव भी बच जाएगा और आपको नुकसान भी नहीं होगा। देख सकते हैं दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो इतना आप हमारे लिए अपना समय दिए कीमती से, मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका अंकल जी। और कोई बात नहीं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं आप, ये आप, तो आप, आप, है। आप जैसा सोच हमेशा सभी लोग हो अगर भारत में, तो देश कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। नहीं, तो हर इंसान को जी, जैसे हर इंसान को जीने का होता है वैसे इनको भी हो है जी जी जी। तो आप देखना चाहेंगे? नहीं, आप दिखाइए वैसे। चलिए दोस्तों, देख सकते हैं धूप में, धूप लगा इसका शरीर पे कितना बेचैन होगा, ये दिन में बहुत डरते हैं और इन जिनका प्रकाश इनको बहुत चुभता है, देखिए कैसे बेचैन हो रहा है। अब हम छोड़ेंगे, देखेंगे आप सभी को दिखाएंगे। अब ये निकलेगा दोस्तों, ये बेचैन है निकलने के लिए, देखिएगा आप, ये मेंढक खाया हुआ था, देख सकते दोस्तों, ये जा रहा है, इधर ही आ रहा है, जाने की कोशिश कर रहा है दोस्तों, क्योंकि ये धूप से बहुत दिक्कत होता है इन लोगों को। देखिए ये बेजुबान है बेचारा, बेजुबान है, इसे नहीं पता कि कौन इसे मारना चाहता है, कौन इसे बचाना चाहता है। ये चला गया दोस्तों, हर इंसान अपना जान बचाना चाहता है भाई। दोस्तों आप सभी से यही निवेदन करेंगे, ऐसे बेजुबानों को कभी ना मारें, जरूर बचाएं, और आप भी अगर मिलना चाहते हैं हमसे तो हमारा पूरा पता है, खुशीपुर पोस्ट पटियन है, तहसील पलिया है, और डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी है दोस्तों, हमारा स्टेट उत्तर प्रदेश है, आके मिल सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है, डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, फिर आपको एक बार बोल भी रहे हैं 91-98-79-71-23, आकर जब मर्जी मिल सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मिलते किसी दूसरी वीडियो में आप सभी के प्यार के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अंकल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भाई।